हाय गाइस, वेलकम टू द वीडियो। आज हम इस वीडियो में पोलर इक्वेशन ऑफ अ सर्कल स्टडी करेंगे। मान लीजिए आपके पास इनिशियल एक्सिस है ओ एक्स करके, ठीक है। तो किसी प्लेन में आपका एक सर्कल है जिसका जो रेडियस है वो आपका है सी पी, ठीक है। आपके जो है सी के कोऑर्डिनेट्स है वो है आपके कैपिटल आर कॉमा अल्फा, ठीक है। कैपिटल आर आपका है डिस्टेंस फ्रॉम ओ सी, जो आपका रेडियस वेक्टर है, और अल्फा आपका है वेक्टोरियल एंगल फ्रॉम द इनिशियल लाइन ओ एक्स, ठीक है। पी के जो आपके पोलर कोऑर्डिनेट्स है वो है आपके स्मॉल आर कॉमा थीटा। स्मॉल आर आपका डिस्टेंस है फ्रॉम ओ पी, और थीटा आपका एंगल बन रहा है फ्रॉम इनिशियल लाइन ओ एक्स से, ठीक है। जो आपके पास एंगल सी ओ पी है वो कितना हो जाएगा आपका थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या चीज़ आ रखी है, हमारे पास ओ सी है कैपिटल आर के इक्वल, हमारे पास ओ पी है स्मॉल आर के इक्वल, हमारे पास एंगल एक्स ओ सी है अल्फा के इक्वल, एंगल एक्स ओ सी, हमारे पास है एंगल सी ओ पी, एंगल सी ओ पी थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो अगर हम देखें इन ट्राइंगल सी ओ पी पर, ठीक है, इन ट्राइंगल सी ओ पी पर अगर हम देखेंगे तो फ्रॉम द ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा ट्राइंगल है ए बी और सी, जिसके आपके साइड्स है स्मॉल ए स्मॉल बी और स्मॉल सी, तो अगर आपको कॉस ए निकालना है तो हम लिखते हैं उसके लिए बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम बी सी। कॉस ए निकालना है आपको, हम लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस टाइम्स बी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ए सी। कॉस सी निकालना है हमें तो हम लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स ए बी, ठीक है। तो सिमिलर केस हम यहाँ अप्लाई करेंगे, हमें ट्राइंगल सी यू पी में फॉर्मूला लगाना है। तो इसमें देखो आपको सी पी निकालना है, सी पी का आपका जो रेडियस है वो है आपका स्मॉल ए, ठीक है। तो ए आपको यहाँ चाहिए, तो हम क्या करेंगे यहाँ कॉस थीटा माइनस अल्फा इक्वल्स टू स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टाइम्स ए स्क्वायर अपॉन टू टाइम्स स्मॉल आर और कैपिटल आर, ठीक है। ए के लिए इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा आपका ए स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस टाइम्स टू स्मॉल आर कैपिटल आर कॉस थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो ये आ गई आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल इन अ पोलर फॉर्म। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिकुलर केसेस देखेंगे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल के, ठीक है।